बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अभी हॉर्न फिर से ख़राब हो गया था, दोबारा से ज़फ़र वाल्व हूँ तो यहाँ से हॉर्न जो है वो दोबारा से चेक करवाएंगे इंशाअल्लाह। फ्यूज है, फ्यूज दोए चलते पे वेखियो। किन्ने पैसे हो गए साहब जी? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बस फ्यूज डला है, 50 रुपये खर्चा आया और हमारा टीम पांच ऊंचा हो गया। अभी आगे निकलते हैं इंशाल्लाह, बताता हूँ कहाँ पे जाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप सबको खुश आमदीद कहते हैं भाई मुसर के घर में, और ये घर है शहर में। आज तो चाबी हमें मिल चुकी है, तो अभी दरवाज़ा खोलते हैं और अंदर चलते हैं। आ जाएं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैं कहना चाहूँगा कि मुझे नहीं पता अंदर से कैसी कैसा घर है, जैन भाई ने देखा हुआ है, मैंने सिर्फ बाहर बाहर से देखा हुआ है। चलो फिर। आज देखते हैं इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौन है? जैन भाई ने। यार चलो बिस्मिल्लाह पढ़ के पैर रखो। ये एंट्रेंस है जी, एंट्रेंस के साथ ही वॉशरूम, इधर मोटर लगी हुई है, इधर मोटर लगी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, ड्राइंग रूम, बैठक, और इसका दरवाज़ा बाहर को है अल्हम्दुलिल्लाह। आगे जी जैन भाई, सेकंड वॉशरूम, वाह काफ़ी खुली है माशाल्लाह। हाँ ये बैठक को भी लगता है उधर से ही आ सकते हैं। सही हो गया। साथ ही इधर आ जाएं, ये बेडरूम, दो किचन, वो एक गैलरी स्टोर, बहुत बड़ा है, ज़बरदस्त। वाह इस पे स्टोर नहीं है। ये जी हमारा किचन, सही हो गया, जबरदस्त, परफेक्ट। और पेंट वगैरह करवाने वाला है, बाकी जबरदस्त व्यू सी गैलरी ऊपर। ओह वाओ जबरदस्त। ये गैलरी वाला तो अच्छा काम हो गया। जो भी काफी खुली है, ये छत, छत पे कोई कमरा नहीं है, सिंगल स्टोरी है, डबल ही, सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड फ्लोर, और ट्रांसफार्मर आपके साथ है। हाँ जी बिजली, हाँ जी रास्ता लगता है ये पास ही तरफ। और सबसे अहम बात जी, रास्ता तीन साइडों से रास्ता लगता है और खुला रास्ता, बैक साइड पे भी रास्ता है और पक्का रास्ता है, ये देखें माशाल्लाह। रास्ता देखें कितना खुला, रास्ता खुला भी, और वो क्या सेवरेज का निज़ाम भी परफेक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। इस साइड से और ये दूसरी साइड भी दिखाता हूँ, ये वाली साइड और फ्रंट साइड भी दिखाता हूँ मैं, ये फ्रंट साइड अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी यहाँ से वाइड एंगल से मैं आपको बताता हूँ, रिजल्ट खैर इतना अच्छा नहीं आएगा। ये बैठक है, इसका दरवाज़ा एक बाहर को भी निकलता है और ये अंदर को भी आता है, अटैच बाथ है इसके साथ, ये हॉल में भी यूज़ हो सकती है और अंदर से भी हो सकती है। एक बेडरूम इसके ऊपर, ऊपर क्या है, गैलरी, गैलरी यानी स्टोर, जो चीज़ें आपने रखनी है वो स्टोर कर सकते हैं। और इधर बेडरूम, इधर फिर किचन, और इसके ऊपर फिर गैलरी,
यानी हमारे पास दो बेडरूम है, एक बैठक, तीन बेडरूम भी कह सकते हैं, और बाथ जो है एक ये नीचे यहाँ पे बाथ है, और सीढ़ियों के नीचे वो है मोटर पानी की, और यहाँ से दीवार जो है ये ख़राब है और वो सुस्ती कह लें क्योंकि ये जो बैक साइड से है ना ये प्लस्तर करवाने वाली है, तो बारिशों के जितनी भी हुई हैं ना इस सीज़न, वैसे भी बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं, जितनी भी हुई हैं वो सारा का सारा पानी ये आ गया, तो पेंट होगा दूसरी साइड पे, प्लस्तर हो जाएगा, ये भी ओके हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा सोचा था। मैंने अंदर से बिल्कुल नहीं देखा था, बिल्कुल ही नहीं आईडी नहीं था, बाहर से देखा था। जिस बंदे ने ये देख लिया या जो था उसने कहा था कि मदरसा इंशाल्लाह आपको डाउट, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ अच्छी होगी, तो वाकई मैं मुतमईन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। पेंट तो सारे ही होने वाला है क्योंकि सिल बहुत ही दफा के बाद है ना, तो बहुत पानी मतलब इंशाल्लाह सब पेंट अच्छे से करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, वाशरूम पे यहाँ से नीचे टाइल वगैरह लग सकती है, इतनी स्पेस है, बाकी खुला खुला है, परफेक्ट। अब एक कर रहे हैं नहीं तो वही पीछे ट्रांसफार्मर ही ना है, मीटर लगा हुआ है बिजली का, और ये वायर यहाँ से अंदर कहीं से बंद की हुई है, थले तो बंद होता है ना, उत्ते आन होने कितने आई है अभी टूटे था। हाँ जाहिर है यहाँ पे पहले किराएदार रहते थे, तो उन्होंने जो जो चीज़ें लगाई थी वो ले गए हैं, वो ले जाते हैं ना, तो इसलिए यहाँ पे कोई लाइट नहीं चलेगी। मुमकिन है कि ये जो इंडिकेटर है ना ये ख़राब हों, हो सकता है। अच्छा जी, अदनान भाई कैसा घर लगा आपका? घर बहुत ही अच्छा हो गया, बहुत ही खूबसूरत, सही सौदा है, तो नहीं पता कितने का नहीं, लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ना। हाँ जी माशाल्लाह ज़बरदस्त, हम पहले भी देखे गए थे ये, हमें तब भी बहुत प्यार लगा। हाँ जी दीदी माशाल्लाह बहुत सोना, मुबारक हो कुछ बात है, आपको रहना नसीब करे, आमीन आमीन, बड़ा की ज़बरदस्त जी। जैन भाई आपने तो पहले भी देखा होगा, खैर मुबारक, सामान लेके आए इधर इंशाल्लाह, और वीक पहले तो मर्जी करो फिर थोड़ा घर जैसा भी इनवाइट करो फिर पहले संडे इंशाल्लाह, वहीं दौरान गए थे इधर आवाज रह जाने तरीके से सिला इधर रह रहे थोड़े को, अभी जो लॉक लगा हुआ था ना घर पे उसके पास, उसकी हमारे पास एक ही चाबी थी, तो डुप्लीकेट किसी के पास भी हो सकती है, लिहाजा हम अपना ताला लगाएंगे और ये लगाएंगे इंशाल्लाह, कभी ताला चेंज कर देते हैं, इसे खोलेगा तो प्रणाम भाई जी खोलेंगे, तो ही खोलो चलो चलो खोल लेंगे, खोल भी जा रहे ममटी ने फिर मार दी है इस पे ताला लगाने की जरूरत ही नहीं, बाहर से कोई ताला खोलेगा तो अंदर कोई आएगा तो ऊपर से जाएगा, इस पे ताला लगाने की जरूरत ही नहीं, कुंडी है दुल्हा और नहीं
ओके हो गया जी। मोहम्मद को ना मोहम्मद बिलाल की एक चप्पल सैंडल जो है बहुत ही उसके फेवरेट है और वो अपने भाई के पहन के घूमता रहता है। अब मैं लेके आया हूँ, पहले मोहम्मद के साइज के नहीं आते थे, बड़े बड़े आते थे, अब मेरे ख्याल से छोटे आ गए हैं। अब की बार मोहम्मद की चप्पल आई 18 नंबर और ये छोटी है। सुबह इंशाल्लाह जाऊँगा 20 नंबर लेके आऊँगा तो वो पूरी आ जाएगी इंशाल्लाह। सही है। अभी आज ही पता चला कि हमारी गाड़ी का जो बैक स्पीकर है ना ये काम नहीं कर रहे, ये चल नहीं रहे, तो इनकी ये तार उतरी हुई है, ये तार यहाँ से उतरी हुई है, ये वायर जो है ना ये लगानी है हमने, फिर हमारी गाड़ी के पिछले स्पीकर भी काम करने शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। ये तार ही बड़ी हल्की सी होती है, एवं एवं से टूट जाती है और ये यहाँ से उतरी हुई है। ओके चेक कर लेंगे, चाबी अंदर पड़ी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैठ जाएं बैठ जाएं। तो अभी वाईफाई यहाँ से कनेक्ट हो गया, जाते हैं यूट्यूब पे। बेबी की इसे खोल के चेक किया, अनजान जगह और वीरान जगह जो है पीछे से आवाज आ रही है, परफेक्ट। पहले टाइम और था जी, अब तो अल्लाह माफी दे, जैसी जैसी वीडियोस वायरल हो रही है ना वहशत दहशत फैली हुई है, ये खासकर हमारे एरिया में तो फैली हुई है कि बच्चे अगवा हो रहे हैं। ये वाला स्पीकर चल गया है, ये वाला नहीं चला अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसे इंशाल्लाह सुबह देखेंगे। अभी नहीं जरूर। ओके ओके ये नहीं उतरेगा फरीदा, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह उतर गया जो खुद उतरेगा। अरे मिट्टी है धूल है यहाँ पे ऐसे। सुबह मैंने दोनों गाड़ियाँ धोई थी, अरे जो क्रोला जफरवाल गई थी उसकी हालत ऐसी हो गई है पीछे से, और किया तो बिल्कुल A1 है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी गाड़ी चमक गई है बगैर धोए। रात को भाई अब्दुर्रज़ाक आए हुए थे तो वो कह रहे थे कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप गाड़ी को धोएं, मिट्टी ऊपर से झाड़ के खुश्क कपड़ा या थोड़ा हल्का गीला कपड़ा लगाएंगे ना तो गाड़ी साफ़ हो जाएगी। तो मैंने ऐसे ही किया तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गाड़ी बिल्कुल साफ़ हो गई है नहीं तो मैं तो धो धो के हफ जाता था, किया को कल ही धो दिया था को जो है दोबारा से कपड़ा लगाया ना तो ये शाइन में आ गई है माशाल्लाह। आपको घर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, अभी उसमें बहुत सारे काम करवाने वाले हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह, साथ साथ उसमें काम भी करवाए जाएंगे और अपनी मर्ज़ी के करवाए जाएंगे और आपके साथ भी शेयर किया जाएगा इंशाल्लाह। बस आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं और इसी दुआ के साथ ख़त्म करते हैं कि अपनों में रहें, अपनों में खुश रहें और अपनों को खुश रखें और हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। बाय 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 बाय। मोहम्मद को बुखार है। हाँ वो खरगोश हमारे बड़े ही प्यारे, ओ घिस गए अंदर तो ये अभी मज़े के साथ यहाँ पे आराम फरमा रहे हैं। हाँ जी।